हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक कार्टून करेक्टर जिसमें एक विलेजर है, उसके साथ उसका कैटल है और उसका बैकग्राउंड, और इसका जो कंपोजिशन है वो अपन किस तरीके के रखेंगे वो थोड़ा सा रूरल एरिया से मैच करे। सो होप यू विल एंजॉय दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बनाएंगे करेक्टर, जो मेन का करेक्टर है वो बनाएंगे। उसके लिए अपने ने ये हाइट डिसाइड कर ली है। ओके, हाइट डिसाइड करने के बाद अपने इसकी जो हेड है उसका पोर्शन बना लें, जिससे ये हो गया हेड की जो ऊपर की पगड़ी, ओके मेन की, और एंड देन इसकी फेस। फेस के लिए अपने को बेसिक शेप बी का यूज करना है, एंड देन इसकी पगड़ी को हेड के साथ एडजस्ट कर देंगे। एंड देन अपने ने सेंटर लाइन आई लाइन बनानी है, और आई लाइन पे अपने ने आइज बना देनी है। हाफ सर्कल आइज है जो इस तरफ इसकी लुक है, और ये आईब्रोज हो गई, जस्ट वी शेप नोज। एंड अब जो इसका इम्पोर्टेंट पोस्चर है मस्टाच, वो बना। ओके, एंड ये हो गया इसका ईयर, और ये हो गया इसके जो बैक साइड, जो साइड के जो हेयर्स हैं वो, और जो पगड़ी है उसमें अपन ये पट्टियां बता देंगे, और जो ये वाला पोर्शन है वो इरेज कर देंगे ताकि ये क्लियर दिखाई दे। मस्टाज को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएं, जो फेशियल फीचर्स है, जो उसका एक्सप्रेशन है माउथ का, लोअर लिप अपने को शो करना है। एंड देन इसकी अब अपने को इसका जो नीचे की बॉडी का पोर्शन है वो बनाना है। ये हो गया इसका क्लॉथ है ये चोला, एंड जो इसके हैंड्स है वो बैक साइड है। ये जस्ट अपने को हैंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हैंड बेसिकली हार्ड पोर्शन होता है कोई भी फिगर बनाने में, बट अभी अपने ने हैंड को पीछे कर दिया है तो अपन हैंड को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। और अब बनाएंगे इसका जो, और अब अपने इसकी जो जूतियाँ हैं वो बना दें। ओके, तो ये एक विलेजर का लुक आ रहा है इसमें। ओके, सेटिंग अपनी थोड़ी बाद में कर देंगे, सबसे पहले अपन बना लेते हैं जो एनिमल है या फिर कैटल है उसकी जो बॉडी बना लेंगे। तो उसके लिए अपने ने पहले इसका हेड बना दें। हेड काफ़ी ऊपर हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन इसका थोड़ा सा अपने ऑकवर्ड रखना है या सैड रखना है। और ये हो गया इसके ब्रिज ऑफ द नोज, एंड ये हो गया नोस्ट्रिल, और ये इसकी जो आइज है बिग आइज बना देंगे। आइज अपन छोटी भी रख सकते हैं बट ये आइज सही लग रही है। एंड देन इसके जो ईयर्स है वो बना दें कैटल। एंड अब अपने इसके हॉर्न बना देंगे। हॉर्न भी मैं इसको ज़्यादा मोटा बना रहा हूँ हॉर्न को ये, एंड देन इसका जो जो बोन है उसको क्लियर कर देंगे। ओके, सो ये हो गया कैटल का माउथ। अब अपने इसकी बॉडी का पोर्शन बना देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया इसका जो बॉडी के ऊपर की साइड होता है बॉडी, और ये जो गले में जो स्किन आ रही है ना वो जैसे वेव की तरह दिखाई देती है अपने को नॉर्मली ऐसे, क्योंकि वो रिंकल्स होते हैं, वो सलवटें आती है, और ये ऐसे दिखाई देता है। तो ये अपने ऐसे बना देंगे। और अब अपने इसके लेग्स बना दें। ये हो गए इसके आगे के लेग्स। अब अपन इसके पीछे के लेग्स बना देंगे। पीछे के लेग्स भी एज वेल एज आगे के लेग्स नॉर्मली इसको अपन बना, थोड़ा सा पीछे लेके एनाटॉमिकली पीछे के लेग थोड़े से डिफरेंट होते हैं आगे के लेग, और ये सारे एनिमल्स में इनकी एनाटॉमी लगभग ऐसी ही होती है। ओके, जो काऊ का पीछे का पोर्शन हो गया लेग्स का, एंड इसका जो अपर पोर्शन है उसको थोड़ा सा, ये हो गए इसकी टेल, ये हो गए इसके जो फूट है उसमें उसका कलर ब्लैक कलर के होते हैं ना। ओके, सो ये नाउ रेडी है। एक विलेजर है, और ये इसका कैटल है। जो रस्सियाँ बांध रखी है वो बना देंगे अपन ने। ये इसके माउथ पे ऐसे बांध रखी है, और ये रस्सी इसके पीछे इसने पकड़ रखी। ओके, और ये रस्सी इसने पीछे की ओर पकड़ रखी है,
और जैसे इसने पीछे एक जो ये डंडा है वो भी पकड़ रखे हैं। ये विलेजर्स अपने साथ डंडा ऑलमोस्ट रखते हैं। और ये हो गया ड्राइंग रेडी। अब अपन पीछे का बैकग्राउंड बना देते हैं, जस्ट ये हार्ट्स हो गई और हार्ट्स बना दें। ये हो गया टेम्पल, ये जस्ट इस माउंटेन पे है। और बाकी के घर भी अपन पीछे के पीछे ऐसे बनाते रहे। ये हो गए ट्रीज, ये हो गए इसके नीचे की शेडो, एंड जो इनकी शेडो है वो भी थोड़ी थोड़ी अपन बना रहे। ये मस्टाच है, इनको अपन ब्लैक कलर दे देते हैं। तो ये हो गया अपनी ड्राइंग रेडी। होप यू एन्जॉय दैट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।